भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए 29 जून तक हुए पटना के सभी स्कूल बंद। वहीं उमस और बढ़ी और 24 घंटे में सबसे गर्म रहा भोजपुर। बता दें कि बिहार में मॉनसून की एंट्री तो हो गई है, लेकिन कई जगह पर बारिश नहीं हो रही है। नमी अधिक होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। इसका प्रभाव मॉनसून पर भी पड़ रहा है। इधर मौसम की बेरुखी को देखते हुए पटना में स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खुलने का फैसला 30 जून को लिया जाएगा। 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी 26 जून से खुलने थे। वहीं मौसम विभाग पटना का कहना है कि पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के शेष भागों में पहुंचने के बाद झमाझम वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आज पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में मौसम शुष्क बना रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। बता दें कि शनिवार को पटना समेत अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। 39.8 डिग्री सेल्सियस के साथ भोजपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं 39.4 डिग्री सेल्सियस पटना, गया और रोहतास का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। नालंदा का 38.8 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 36 डिग्री, नवादा 38.5 डिग्री रहा। वहीं बीते शनिवार को अररिया में 60.5 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 30.4 मिमी, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में 6.2 मिमी, रोहतास के चैनरी में 5.0 मिमी, पश्चिमी चंपारण के गौनाहा में 4.2 मिमी, रोहतास के नौहट्ठा में 3.6 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 3.4 मिमी, पश्चिमी चंपारण के रामनगर में 2.2 मिमी, बक्सर के नवानगर में 1.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पटना में उमस भरी गर्मी को ध्यान में रखते हुए पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को 28 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले 19 से 24 जून तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बीते शनिवार को देर शाम जिलाधिकारी ने फिर से आदेश जारी करके पढ़ाई स्थगित रखने का आदेश दिया है। डीएम ने बताया कि राजधानी पटना में अधिक तापमान और दोपहर में पड़ रही उमस भरी गर्मी को रखते हुए ध्यान में प्री स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में पढ़ाई पर प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश को विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक को इसे लागू करना होगा। इधर 29 जून को बकरीद है, यानी अब अगर स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे इसका फैसला 30 जून को ही लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर में गर्मी और उमस अधिक रह रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर पड़ सकता है, इसलिए सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने को कहा गया है।